भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश राजस्थान ते छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव च पूर्ण बहुमत बखी बदा कर दिया गए। उम्मीद है जो प्रधानमंत्री और नवी दिल्ली च पार्टी मुख्यालय च भाजपा कार्यकर्ताएं ते नेताएं गी करगन संबोधित। असेंबली नतीजे दस दिन च भारत के लोग खरे शासन ते विकास के कन्ने न जिदे ताई प्रतिबद्ध है भारतीय जनता पार्टी, आख्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होरें आख्या जे दिव्यांगजनें दी बड़ी मती जद्दोजहद ते उपलब्धियां नागरिकें आस्ते न प्रेरणा दा स्रोत। जम्मू कश्मीर च दिव्यांगजनें आस्ते कीते गए ने नेकां हीले, आख्या उपराज्यपाल होरें। ते सैल सफा महकमे ने राष्ट्रीय बेहतरीन सैलानी ग्रां ते राष्ट्रीय बेहतरीन ग्रामीण गृह आश्रमें प्रतियोगिता 2024 दी कीती शुरुआत। इहदे ताईं 31 दिसंबर तोड़ी दित्तियां जाई सकदियां ने दरखास्तां। नमस्कार, डोगरी खबरें दे इस बुलेटिन च तुंदा स्वागत है। पेश नज दियां खबरां। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ते तेलंगाना च विधानसभा चुनावों दे वोटें दी गिनती जारी है। असल ताजा रुझान मुताबक बीजेपी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ते राजस्थान च फैसला कुन 48 बखी अगड़ी बदा करदी है, जिसलै के कांग्रेस गी तेलंगाना च बढ़ता हासिल है। राजस्थान च कुल 200 निर्वाचन हल्के शा 199 पर चुनाव होए। चुनाव आयोग ने मेदवार दी मौत होई जाने मगरा एक विधानसभा सीट उपर चुनाव अगड़े पाई दिते हे। 199 सीटें पर रुझाने मुताबक बीजेपी ने 102 सीटां जीती लईयां ने ते 13 सीटें पर अगे है, जिसलै के कांग्रेस ने 62 सीटां जीती लईयां ने ते 7 सीटें पर अगे है ते उन्हें 3 सीटां जीती लईयां ने ते 7 सीटें पर अगे न। मध्य प्रदेश च 230 सीटें पर हासिल रुझाने मुताबक हुक्मरान बीजेपी ने 63 सीटां जीती लईयां ने ते 102 सीटें पर अगे है। कांग्रेस ने 15 सीटां जीती लईयां ने ते 49 सीटें पर अगे है ते उन्हें 1 सीट जीती लई है। छत्तीसगढ़ च सबने 90 सीटें दे रुझाने मुताबक बीजेपी ने 8 सीटां जीती लईयां ने ते 48 सीटें पर अगे है, जिसलै के कांग्रेस ने 5 सीटां जीती लईयां ने ते 29 सीटें पर अगे चला दी है। तेलंगाना च 119 सीटें दे रुझान हासिल होआ करदे न, इंदे च कांग्रेस ने 28 सीटां जीती लईयां ने ते 35 सीटें पर अगे है, जिसलै के भारत राष्ट्र समिति ने 13 सीटें जीती लईयां ने ते 27 सीटें पर अगे है। बीजेपी ने 4 सीटां जीती लईयां ने ते 4 सीटें पर अगे है ते होर ने 2 सीटां जीती लईयां ने ते 8 सीटें पर अगे न। मिजोरम विधानसभा चुनावों लई वोटें दी गिनती दा काम कल कीता जाग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें आख्या जे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश ते राजस्थान च विधानसभा चुनावों दे नतीजे कन्ने पता लगदा है जे लोक खरे प्रशासन ते विकास दी सियासत कन्ने पूरी चाली जुड़े दे न ते भारतीय जनता पार्टी इहदा गै इक प्रतीक है। एक सोशल मीडिया पोस्ट च श्री मोदी होरें आख्या जे भारतीय जनता पार्टी जनता जनार्दन अग्गे नतमस्तक है। पार्टी दे समर्थन लई लोकें दा धन्नवाद करदे होई उन्हें भरोसा दवाया जे बीजेपी लोकें दी भलाई बेहतरी लई लगातार कम करदी रहोग। प्रधानमंत्री होरें सख्त मेहनत करने आले पार्टी कार्यकर्ताएं दा चेचे तौर पर धन्नवाद कीता। उन्हें आख्या जे इस चाली हर कार्यकर्ता ने बेमिसाल काम कीता है ते आम लोकें तोड़ी पार्टी दे विकास एजेंडे गी पजाने च उन्हें कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्हें आख्या जे पार्टी विकसित भारत दे लक्ष्य गी हासिल करने आली बखी तेजिया कन्ने अगे बदा करदी है। बीजेपी गी समर्थन देने लई तेलंगाना दे लोकें दा आभार व्यक्त करदे होई श्री मोदी होरें आख्या जे पिछले किश बरें दौरान इस समर्थन च लगातार वाधा होआ करदा है ते अगे आने आले समें च भी इह रुझान जारी रहोग। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर होरें आख्या जे चुनावें च फैसला कुन रुझाने कन्ने पता लगदा है जे लोकें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंदे पर अपना भरोसा जताया है। ऐतवारें नवीं दिल्ली च पत्रकारें कन्ने गल्लबात करदे होए मंत्री होरें आख्या जे लोकें कांग्रेस ते उहदी जाति आधारित राजनीति गी नकारी दित्ता है। उन्हें आख्या जे लोक दऊं इंजन आली सरकार, खरे प्रशासन ते विकास करना चाहुंदे न। लोगों ने कह दिया देश में एक ही गारंटी पर विश्वास है, मोदी की गारंटी चलेगी। और मोदी जी ने भी कहा मेरे लिए कोई जाति नहीं, जाति है तो युवा, महिला, किसान और गरीब, और इन सबके कल्याण के लिए काम करना है, विकास करना है। और गरीब कल्याण ने फिर करके दिखाया मोदी जी ने, जो किया लोगों ने माना कि डबल इंजन की सरकार जैसे मध्य प्रदेश और देश में थी, उस पर छत्तीसगढ़ और राजस्थान दोनों ने ही जो साथ लगते राज्य थे विश्वास किया कि मध्य प्रदेश में कैसे काम हुआ। अब मैं ये कहूंगा दुनिया को भारत पर विश्वास है और भारत की ओर नजरें टिकाए रखी है और जनता ने मन बना लिया है ये डबल इंजन की सरकार राज्य से लेकर केंद्र तक चलती रहेगी और 2024 में भी रिकॉर्ड जीत होगी। चौं राज्यों च होए दे विधानसभा चुनावों दे नतीजे उपर अपनी प्रतिक्रिया दिंदे होई नवी दिल्ली च बीजेपी दे राष्ट्रीय मुख्यालय च बक बक समाचारें चैनलें कन्ने गल करदे होई केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह होरें आख्या जे मोदी गारंटी ते डबल इंजन सरकार लई लोकें वोट पाए न। डॉक्टर जितेंद्र सिंह होरें आख्या जे इहदे कन्ने साबित होई जांदा है जे लोकें गी इस गल्ला दा पूरा भरोसा है जे प्रधानमंत्री मोदी जे किश आखदे न ओह किश करदे वी हन। डॉक्टर जितेंद्र सिंह होरें आख्या जे तेलंगाना च कांग्रेस दी जित बीआरएस खिलाफ पाए गए वोटें दा नतीजा है। उहां उन्हें आख्या जे इत्थे भी तमाम मुश्किलें दे बावजूद बीजेपी अपना वोट
प्रतिशत बधाने च कामयाब रही है। उन्हें आख्या जो राजस्थान ते छत्तीसगढ़ च पैसे दे नजायज इस्तेमाल ते केंद्र प्रति जवाबदेही दी कमी दा खामियाजा हारने वाली पार्टी की भुगतना पिया है कि जे टकोदा करिए नौजवाने मतदाताएं इस गले की भी दिखाया है। सम्मान भी दिया, सुरक्षा भी दी, स्वच्छता भी दी, स्वास्थ्य भी दिया और मैं तो कहूंगा कि इस चुनाव से एक बार फिर से प्रमाणित हो गया कि मोदी जी एक वो डोर है, ये नाम जो सारे देश को एक एक धागे में बांधता है, उत्तर हो के दक्षिण, पूर्व हो के पश्चिम, पूर्व उत्तर हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंदा ऐतवारे संजाले नवी दिल्ली च पार्टी सदर दफ्तर च बीजेपी कार्यकर्ताएं ते नेताएं गी संबोधित करने दी उम्मीद है। उम्मीद कीती जा करदी है जे त्रऊं रियासतें च होए दे विधानसभा चुनाएं च पार्टी पूरी चाली जित हासिल करी सकदी है। पार्टी सूत्रें दा आखना है जे बीजेपी आसिया प्रधानमंत्री हुंदी अगुवाई च अज संजा राष्ट्रीय राजधानी च इक रोड शो करने दा भी योजना है। चौं रियासतें च जारी विधानसभा चुनाएं दे वोटें दी गिनतरी दे रुझाने कन्नै पता लगदा है जे बीजेपी गी मध्य प्रदेश, राजस्थान ते छत्तीसगढ़ च खरी मती बढ़त हासिल है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के प्रधान रविंदर रैना और आख्या जो मध्य प्रदेश, राजस्थान से छत्तीसगढ़ थमां आवा करते ताजा रुझाने मुताबक बीजेपी इन राज्यों के विधानसभा चुनावों च निर्णायक जिताली बखी अगड़े बधा कर दी है। उन्हें आख्या जेदे कन्ने पता लगता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी सरकार दी नीतियों च लोगों की पूरा भरोसा है। जम्मू च पार्टी की जिताले समारोह च पार्टी कार्यकर्ताएं की अगुवाई करते हुए उन्हें आख्या जो बीजेपी ने सैमीफाइनल जीती लिया है तो 2024 का फाइनल भी बीजेपी भारी बहुमत कन्ने जीती लैग। जम्मू च बीजेपी के नेताएं ते कार्यकर्ताएं त्रिकुटा नगर आले पार्टी सदर दफ्तर च किट्ठे होइए इस जित दा जश्न मनाया। रैना होरें आख्या जे लोकाहित आलियां बीजेपी दी नीतियें गी लोकें स्वीकार कीता ते कांग्रेस दे इंडी गठबंधन दा बनकदा जवाब भी दिता। भारतीय जनता पार्टी दी हिंदी दे गाड़ आले राज्य ते टकोदा करी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाई च शानदार जित पर भद्रवाह च पार्टी दे समर्थकें जश्न मनाया। त्रऊं राज्य ने चुनाव जीती है नतीजे गी मोती हुंदी गरंटी लगांदे हुए ते भाजपा दे कार्यकर्ताएं खुशी मनाई, पटाखे ठुआले ते मिठाई बंडी। बीजेपी का संगठन है ये, चाहे लीडर भाग भी जाओ लेकिन संगठन का भी नहीं भागता है। ये हमने आज देखा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, ये बहुत बड़ी विक्ट्री है। और आने वाला जो टाइम होगा बीजेपी का बदला असेंबली तो हम जीतेंगे ही, एज ए मंडल प्रधान बोल रहा हूँ, लेकिन हम पूरे स्टेट में भी आशा करेंगे कि बीजेपी की सरकार आएगी जिससे कि सब लोगों का वो मूड बन चुका है कि बहुत खुशी की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होरें दिव्यांगजनें गी बाइक तैयार बनाने लई नवी दिल्ली च अज राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। इस मौके पर अपने संबोधन च राष्ट्रपति होरें आख्या जे दुनिया की 15% आबादी दिव्यांगजनें दी है। उन्हें आख्या जे इनेंगी बाइक तैयार बनाने कन्ने समाज की बाइक तैयार बनाने च मदद होग ते इह पहली प्राथमिकता होनी चाहिए है। उन्हें आख्या जे दिव्यांगजनें दा सख्त संघर्ष ते कामयाबियां नागरिकें दी प्रेरणा दिंदियां न। उन्हें आख्या जे नवें संसद भवन तोड़ी दिव्यांगजनें दी आसान पुज सबने गी रली है ते कन्ने लईए चलने दे सिद्धांत गी दसदी है। अनेक चुनौतियों को पार करते हुए उपलब्ध सुविधाओं का समुचित उपयोग करते हुए अपने उद्यम विजय भावना के बल पर भारत के दिव्यांग खिलाड़ियों ने इसी वर्ष एक नया इतिहास रचा है। उन्होंने एशियन पैरा गेम्स में 111 पदक जीतकर भारत की शान बढ़ाई है। मुझे विश्वास है कि समुचित सुविधाओं, अवसरों और सशक्तिकरण के प्रयासों के बल पर हमारे देश में सभी दिव्यांगजनों का जीवन समतापूर्ण और गरिमापूर्ण। इस मौके पर दिव्यांगजनों की बाइक तैयार बनाने वाले नागरिकें, इदारे, संगठने, प्रदेश ते जिले की 30 पुरस्कार दिए गए। दिव्यांगजनों की बाइक तैयार बनाने वाली पेठा बेहतरीन काम करने वाले 9 संगठने की संस्थागत वर्ग च पुरस्कृत किया गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होरें अज आख्या जे सरकारी सारी फरको फरकी की दूर करते हुए एक नए समाज की स्थापना करना चाहती है जिदे च दिव्यांगजनों की बरोबर मौके हासिल होन ते अपने समर्थ मुताबक अपने सुखने पूरे करी सकन। दिव्यांगजनों के अंतरराष्ट्रीय ध्याड़े के मौके पर कल्पना कला केंद्र आसिया लवाए गए कार्यक्रम की संबोधित करते हुए उपराज्यपाल होरें आख्या जिदे लई जम्मू कश्मीर च सरकार आसिया कई गैं पुटियां गई हैं। इस मौके पर उपराज्यपाल होरें दिव्यांगजनों की बाइक तैयार बनाने लई बेहतरीन काम करने वाले संगठने लोगों की सम्मानित भी किया। उन्हें समाज के सबने वर्गों की आख्या जो दिव्यांगजनों की समाज की मुख्यधारा च भलियां आनने लई सरकार के जतने च शामिल होन जिदे कन्ने वो समाजिक आर्थिक गतिविधियों च पूरे मान कन्ने हासिल होई सकन। कड़ी मेहनत और उत्साह को नमन करता हूं। लोग देश के विभिन्न हिस्सों से आए हैं, मैं उनका विशेष रूप से जम्मू कश्मीर में हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं।
मुल्ख च ग्रामीण सैलसफा के विकास से इसी बढ़ावा देने के मकसद कन्ने सैलसफा मंत्रालय आसिया राष्ट्रीय श्रेष्ठ सैलसफा ग्राम प्रतियोगिता 2024 की शुरुआत की है। एदा मकसद ग्रामीण थारें बेहतरीन होमस्टे की बढ़ावा देना ते इहदे आस्ते नरोई मुकाबलेबाजी की अग्गे बधाना है तां जे ग्रामीण थारें च सैलसफा के निरंतर विकास के लक्ष्य की हासिल करने च लोकें की हिस्सेदारी च वाधा किया जा सके। इस मुकाबलेबाजी कन्ने ना छड़ा उन्हें थारें सैलसफा की बढ़ावा थो जिहड़े अजे तोड़ी मते लोकप्रिय नहीं हैं सगुआं इहदे कन्ने मुकामी तौर पर लोकें की कम रोजगार के बेहतर मौके भी हासिल होंगे। इस प्रतियोगिता लई 15 नवंबर थमां 31 दिसंबर तोड़ी दरखास्तां दित्तियां जा सकदियां ने। सारे देश चलाई जा करदी विकसित भारत संकल्प यात्रा दे तहत जम्मू प्रांत दे सबने 10 जिले दे कई पंचायत हल्कें च कई भांति दे प्रचार कार्यक्रम करवाए जा करदे ने। बड़ी बद गिनतरी च लोक ते पंचायती सदस्य इन्हें जागरूकता कार्यक्रम च हिस्सा लईए सरकार आसिया चलाई जा करदी वख-वख स्कीमें ते पहलकदमियों बारे जानकारियां हासिल करा करदे ने। इस मुहिम तहत देश दी तकरीबन हर पंचायत गिआंदा जा करदा है। डोडा दे असर कास्तीगढ़ पंद्रवा भल्ला ठाठरी ते भले सब इलाकें च बड़ी बद गिनतरी च लोकें इन्हें कार्यक्रम च शिरकत की। जम्मू दे सतवारी इलाके च भी लोकें इन्हें कार्यक्रम च हिस्सा लेइए बख-बख स्कीमें कन्ने हासिल फायदे गी लेइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंदा आभार जताया। विकसित भारत संकल्प यात्रा किश्तवाड़ जिले दे वारवा मड़वा ठकरई ते द्रवशाला ब्लाकें च भी लोकें मते उत्साह कन्ने इस जागरूकता गतिविधियों च हिस्सा लिया। रामबन जिले च भी यह यात्रा खड़ी ते रामसू ब्लाकें दी 8 होर पंचायतें च पुजी। विकसित भारत संकल्प यात्रा वैन रियासी जिले दियां दूर दरेड़ी पंचायतें लटोरी कोटली बजालियां कुंदरदन ए अरली हंसाली कुंदोरियां कुंदरदन बी लचन ते बुद्धन बी च पुजी ते उत्थे लोकें गी बख-बख सरकारी स्कीमें बारे जागरूक बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें भारत दे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होरें गी अज उंदे जन्मदिन पर श्रद्धांजलि भेंट की। सोशल मीडिया पर अपने एक संदेश च श्री मोदी होरें आख्या जे भारत दे इतिहास च महत्व आले समय दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उंदी गहरी सूझबूझ ते स्थिर नेतृत्व बड़े मते गर्व दा स्रोत न। श्री मोदी होरें अग्गे आख्या जे लोकतंत्र ते एकता दे चैंपियन दे रूप च डॉक्टर प्रसाद उंदे जतन पीढ़ी दर पीढ़ी बरोबर प्रेरणा दिया करदे न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र दे सिंधु दुर्ग च तारकारली समुद्री कंडे थमां कल भारतीय नौसेना दियां कार्रवाइयां आले समर्थ दी दिखने जंदे च जहाज पनडुब्बियां नौसेना अते हवाई जहाज ते विशेष दस्ते शामिल होंगे। नौसेना दिवस 2023 समारोह दे एक हिस्से दे तौर पर नौसेना अपनी लड़ाई आली समर्थ दा प्रदर्शन करोग। प्रधानमंत्री हुंदे आसिया कल राजकोट किले च छत्रपति शिवाजी महाराज हुंदी मूर्ति शा पर्दा गुआड़ने दा भी कार्यक्रम है। सिंधु दुर्ग ते राजकोट किले दा निर्माण छत्रपति शिवाजी महाराज हुंदे आसिया 16वीं शताब्दी च करवाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता ते कौशल विकास उद्यमियता इलेक्ट्रॉनिक्स ते सूचना टेक्नोलॉजी के केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर होरें आख्या जे CPIM ते कांग्रेस की तुष्टीकरण दियां नीतियां देशें ताईं खतरनाक न। उन्हें आख्या जे लोकें गी मुल्खै दे उत्तर ते पश्चिम च शक्तियों दे ऐस देशां अंदर उंदे मित्रें थमां सतर्क रौना लोड़चदा जिंदा मकसद विश्व की 30 सबने थमां वड्डी अर्थव्यवस्था बनने च भारत की प्रगति च रोड़े अटकाना है। उन्हें आख्या जिन्हें ताकतें पासिया युवाएं गी भटकाइए गलत बत्तै पर पाने दे हर जतन दा NDA विरोध करोग। मंत्री और जंदी संजा कोझिकोड च पार्टी पासिया कराए गए आतंकवाद विरोधी कार्यक्रम च बोला करते हैं। उन्हें आख्या जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें भारत की आर्थिक दशा च परिवर्तन आने आए ते उसे विश्व की 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाएं च उभरी है सिरे दिए 5 अर्थव्यवस्थाएं च शामिल किया है। श्री चंद्रशेखर होरें आख्या जे मुल्खै गी एक विकसित देश बनाने दे लक्ष्य गी हासिल करने आस्तै सबने गी किट्ठे रलिया कम करना लोड़चदा। जम्मू कश्मीर राजभवन ने कल असम दिवस मनाया। जम्मू कश्मीर च रवा करदे असम दे सुरक्षाकर्मियों विद्यार्थी ते लोकें गी इस मौके पर कराए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम च खास तौर पर सद्या गया हा। महान अहोम वंश दे संस्थापक स्वारगाडर चौलोंग सुकाफा ते वीर लचित बोरफुकान होरें गी श्रद्धांजलि दिंदे होई उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होरें आख्या जे इन्हें दो महान शख्सियतें आधुनिक मजबूत ते आत्मनिर्भर असम दे निर्माण च टकोदा योगदान किया है। उन्हें आख्या जे राजभवन च इस मौके पर कराया गया सांस्कृतिक कार्यक्रम बन सबंता च एके दा प्रतीक है। आज के दिन मैं महान अहोम वंश के संस्थापक स्वर्गदेव सोलुंग सुखफा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पुलिस महानिदेशक RR स्वेन ते समूचे पुलिस परिवार ने जम्मू कश्मीर पुलिस दे शहीदें दे परिवार आलें दी भलाई बेहतरी आली बखी अपना निश्चय एक बारी फी पक्का कीता। पुलिस अधिकारियों दी एक बैठक दी प्रधानता करदे होई उन्हें पुलिस शहीदें दे परिवारें दी भलाई बेहतरी लई उंदे तोड़ी पुज बनाने लई कीते जाकर दे जतने दी समीक्षा कीती। उन्हें आख्या जेकर शहीद पुलिस परिवार आलें गी कोई परेशानी आउंदी है तां इस गल्ला दा फौरी तौर पर हल कढ़िया जा। उन्हें आख्या जिन्हें परिवारें दी भलाई बेहतरी दा ध्यान रखना साडी बुनियादी जिम्मेदारी बनदी है।
क्रिकेट च बीए ओवरें आले पंजे मैचें दी मौजूदा श्रृंखला दे पंजमे ते खीरले मैच अज भारत दा सामना आस्ट्रेलिया कन्नै बेंगलुरु दे एम चिन्नास्वामी स्टेडियम च होग। यह मैच भारतीय समय मुताबक संजा 7 बजे शुरू होग। भारत इसलै श्रृंखला च 3-1 कन्नै अग्गे है। दोनों टीमें अजें तोड़ी एक दुए कन्नै 3 T20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेडे दे न, जिंदे च भारत ने 18 ते आस्ट्रेलिया ने 11 मैचें च जित हासिल कीती दी है, जिसलै कि एक मैच च कोई नतीजा नहीं निकलिया। डोगरी खबरें दे इस बुलेटिन च बस इन्ना गै। दिओ इजाजत, नमस्कार।